गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, द डेरिंग डेजर्ट्स। अब डेजर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। अभी तक हमने डेंस फॉरेस्ट पढ़ा था, उसके डायरेक्ट अपोजिट आपको है डेजर्ट्स। अब हम लोग डेजर्ट्स के बारे में देखते हैं स्टूडेंट कि डेजर्ट्स में क्या दिया है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। द वर्ल्ड डेजर्ट इज सिनेमन्स टू एक्सट्रीमली हार्श लिविंग कंडीशन एक्विस शॉर्टेज ऑफ वाटर स्कैनिसिटी ऑफ रेनफॉल वेरी लेस स्कैनी सिटी मतलब सेंस जो है वो रेनफॉल बहुत कम है। लैक ऑफ डाइवर्स लाइम फॉर्म्स ऑफ द व्यू ऑफ एक्सपांस एरिड लैंडस्केप। एरिड मतलब टू ड्राई एंड बैरन, टू ड्राई एंड बैरन यहाँ पे है। देन डेजर्ट यूजली इन्वोक एन इमेज ऑफ हार्डशिप्स ऑफ लाइफ। डेजर्ट कवर्स अ लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ बिटवीन 50 डिग्रीज टू 30 डिग्री नॉर्थ एंड 50 डिग्रीज टू 30 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर। मतलब दोनों तब डिग्री सेम है लेकिन इक्वेटर के दोनों साइड है। दे आर लोकेटेड मोस्टली नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जाता है लाइंस, उसी के आसपास ये चीज़ें हैं डेजर्ट की। और डेजर्ट इज बेसिकली एन एरिया दैट रिसीव वेरी स्नेटी रेनफॉल, जहाँ पर रेनफॉल बहुत लेस है, बहुत कम है। 10 inches एनुअली रेनफॉल यहाँ पर है। The cloud formation in this desert is rarely observed phenomena because of the lack of water for evaporation. यहाँ पे water evaporation ही नहीं हो पाता, जिसकी वजह से rain बहुत कम होता है, क्योंकि water रहेगा तो ही evaporate होगा। Deserts can be broadly classified in two categories, hot desert and cloud desert. Deserts को two part में divide कर दिया गया, एक hot desert और second is cold desert, hot desert and कोल्ड डेजर्ट। लुक एट द फॉलोइंग टेबल्स, इसमें जो दिया गया है कौन कौन से हैं देखिए। हॉट डेजर्ट्स एंड कोल्ड डेजर्ट दो पार्ट में दिया गया है। तो आपके जो हॉट डेजर्ट है उसमें देखते हैं सहारा डेजर्ट्स, अरेबियन डेजर्ट्स एंड ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। तो सहारा डेजर्ट जो है आपका नॉर्थन अफ्रीका में है, अरेबियन डेजर्ट जो है आपका अरेबियन पेनिनसुला में है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में है, सीरियन डेजर्ट सीरिया जॉर्डन एंड इराक में है, कालाहारी डेजर्ट जो है साउथ वेस्टर्न अफ्रीका में, थार डेजर्ट इंडिया एंड पाकिस्तान तक है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये आपके हॉट डेजर्ट है जहाँ गर्मी बहुत होती है। अब कोल्ड डेजर्ट देखते हैं जहाँ पे ठंडा एनवायरनमेंट रहता है। कोबी डेजर्ट नॉर्थन चाइना एंड साउथर्न मंगोलिया, पैटागोनियन डेजर्ट अर्जेंटीना एंड चिली, ईरानियन डेजर्ट ईरान अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ग्रेट बेसिन डेजर्ट यूनाइटेड स्टेट, ताक्लामाकन वेस्टर्न चाइना, अटकामा डेजर्ट कोस्ट और पेरू एंड चिली, नामिब डेजर्ट साउथर्न अफ्रीका। अब जैसे आप जानते हैं कोल्ड डेजर्ट एरिया में इंडिया में भी है, जिसको लद्दाख कहा जाता है, कोल्ड डेजर्ट भी उसको कहा जा सकता है। द टू पोलर रीजन अंटार्कटिका एंड आर्कटिक रीजन है ऑल्सो क्लासिफाइड अंडर डेजर्ट रीजन बट दे आर नोन एज पोलर डेजर्ट। अंटार्कटिक डेजर्ट कवर्स एन एरिया ऑफ 13.82943 किलोमीटर स्क्वायर। आर्कटिक डिजन्स जो दिया गया है इसमें आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट कि किस तरह से डिजन्स को डिवाइड किया गया। नाउ डियर स्टूडेंट देखते हैं कि 1,38,29,430 किलोमीटर स्क्वायर एंड आर्कटिक डिजन्स कवर्स एन एरिया ऑफ 1,37,00,000 किलोमीटर स्क्वायर। मतलब इतने एरिया में डेजर्ट फैला हुआ है। क्लाइमेट डेजर्ट कवर 1/5 ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। 1/5 लैंड एरिया डेजर्ट ने कवर करके रखा है। दे आर करेक्टराइज बाई एरिड क्लाइमेटिक कंडीशन। द टेम्परेचर वेरिएशन बिटवीन द डे एंड नाइट आर एक्सट्रीम। यहाँ पे टेम्परेचर जो है बहुत एक्सट्रीम है डे एंड नाइट में। इन द डे टेम्परेचर इन द डेजर्ट कुड बी हाई एट 50 डिग्री सेल्सियस। यहाँ का डे में जो टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इट कैन फॉल टू एज लो एज 10 डिग्री और जब ये डाउन होता है तो 10 डिग्री तक चला जाता है। मतलब ठंडा भी बहुत है। द मेन रीजन बिहाइंड दिस इज लैक ऑफ ह्यूमिडिटी इन एटमोसफियर ऑफ डेजर्ट। क्यों यहाँ पे लैक ऑफ ह्यूमिडिटी का लैक है, पानी की वेपरेशन की मात्रा यहाँ पर कम है। द डेजर्ट्स गेट हीटेड वेरी फास्ट बट सनलाइट मेकिंग डेज अनबियरेबली हॉट बट द सैंड इज द डेजर्ट हैज द टेंडेंसी टू कूल डाउन वेरी क्विकली आफ्टर सनसेट सो नाइट कैन बी चिलिंग कोल्ड। यहाँ क्या होता है कि डे में तो बहुत ज़्यादा गर्म और हॉट रहता है और जैसे ही उसकी जो सैंड है जो मिट्टी है वो जब सनरेज नहीं रहती तो उतनी जल्दी ठंडी हो जाती है और कूलिंग टेम्परेचर आ जाता है। वेजिटेशन इज़ वेरी फ्यू।
डेजस प्रेजेंट, जो डेजस प्रेजेंट है आपने देखा है डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे क्लाइमेटिक जोन में अभी मैंने आपको बताया कि द डेजर्ट कवर 1/5 ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ, दे आर करेक्टराइज एरिड क्लाइमेटिक जोन है। यहाँ पे जो डे का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस टू नाइट का 10 डिग्री सेल्सियस है, ड्यू टू द जो यहाँ रेत होती है उसके बहुत जल्दी गर्म और बहुत जल्दी ठंडा होने की वजह से टेम्परेचर में चेंजेस आता है। अब हम लोग वेजिटेशन देखेंगे। द डेजर्ट प्रेजेंट ग्रेट चैलेंजेस फॉर एनी फॉर्म ऑफ लाइफ टू सर्वाइव, बट इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द डेजर्ट रीजन प्लांट्स हैव अडॉप्टेड अ एनवायरनमेंट। कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो कि वहाँ पर हो जाती हैं डेजर्ट एरिया में। द डेजर्ट प्लांट मोस्टली हैव वेरी लॉन्ग रूट्स दैट अलाउ डेम टू कैच द मॉइस्चर फ्रॉम डीप विद इन द अर्थ। अब क्या होता है कि जो डेजर्ट प्लांट में पाए जाते हैं उनकी रूट्स, उनकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं। क्यों? क्योंकि पानी के लिए, पानी के सर्च में बहुत, ज़मीन बहुत अंदर तक जाती हैं। दे कैन कलेक्ट द वाटर अवेलेबल फ्रॉम द स्किनेटी रेनफॉल एंड स्टोर देम फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। दिस प्लांट्स हैव वेरी फ्यू और नो लीव्स एट ऑल, अवॉइड लॉस। यहाँ पे जो रहते हैं कटीली झाड़ियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं, यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो कटीली झाड़ियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। ऑफ वाटर ड्यूरिंग द डे स्टैंड लीव्स दिस प्लांट्स थ्रोन्स, दे हैव थिक स्टीम्स विथ वैक्स लाइक कोटिंग विच ऑल्सो प्रिवेंट वाटर लॉस फॉर इवेपोरेशन। कैक्टस, एक्या, बबोब एक्सेट्रा सम ऑफ द प्लांट्स फाउंड इन डेजर्ट। अभी यहाँ पे जो चीज़ें पाई जाती हैं वो बताया गया, कैक्टस, एक्या, बबोब एक्सेट्रा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं एनिमल लाइफ क्या है। एनिमल लाइफ इन डेजर्ट ऑल्सो हैज़ टू इंड्योर द हॉस्टाइल क्लाइमेटिक कंडीशन और इंटेंस हीट, लैक ऑफ वाटर एंड शॉर्टेज ऑफ फूड। एरमाडिलो लिजार्ड, एलमोडिलो लिजार्ड आपको पिक्चर दिया हुआ है यहाँ पे, कैमल, स्पीड फूड टोड, डेजर्ट टॉर्टाइज, सैंड गोल्स, रोड रनर्स, डेजर्ट गॉक्स, हॉक्स, फॉल्कॉन्स, वल्चर्स, स्कॉर्पियन, डेजर्ट रैट। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द रिच वाइल्ड लाइफ फाउंड इन डेजर्ट, जो यहाँ पे पाए जाते हैं वो अलग तरह के ही एकदम है। अब हम देखेंगे कैमल। कैमल कैन स्टोर अ ह्यूज क्वान्टिटी ऑफ वाटर इन इट बॉडीज एंड हेंस इट कैन सर्वाइव फॉर अ डेज। इवन इफ इट डजेंट गेट वाटर, इट कैन स्टोर फूड इन द स्टॉम ऑफ स्टोर इन इट्स हम्प, अपने हम्प में ये फूड और वाटर स्टोर करके रखता है। इट्स ब्यूसी आईलेसेस प्रोटेक्ट डेजर्ट है सैंड फ्रॉम इंटरिंग इट आइट, प्रोटेक्ट इट फ्रॉम सनलाइट टू। इसकी आँखें जो होती हैं इसकी इस तरह की होती है कि इसको ज़्यादा धूल भी नहीं जा सकता है। इट कैन क्लोज इट नॉस्ट्रल टू प्रोटेक्ट सैंड फ्रॉम गेटिंग इन साइड द नोज। इट कैन मॉडरेट इट्स बॉडी टेम्परेचर टू प्रोटेक्ट वाटर, अपने नाकों को इस तरह से कवर कर सकता है कि उसमें डस्ट न जाए। लाइक द कैमल्स ऑल द डेजर्ट एनिमल्स अडॉप्टेड देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द हॉर्स एनवायरनमेंट। इस एनवायरनमेंट में जो लोग हैं पाए जाते हैं एनिमल्स अपने आप को उस तरह से अडॉप्ट कर लेते हैं। और कैमल को यहाँ पे शीप ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है क्योंकि बहुत तेज़ी से चल सकता है डेजर्ट पे, बहुत आसानी से वहाँ सर्वाइव कर सकता है। अगर उसे 2 to 3 days अगर वाटर ना भी मिले तो भी वो सर्वाइव कर सकता है। अब हम लोग देखते हैं ह्यूमन लाइफ। सर्वाइविंग द एक्सट्रीम हॉट एंड एरिड क्लाइमेटिक कंडीशन हैज़ बीन ईजी, ह्यूमन पॉपुलेशन इन डेजर्ट इज स्पेयर्स। यहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ही कम है। मोस्टली द नोमेडिक ट्रिप्स लाइक बेंडुस ऑफ नॉर्थ अफ्रीका एंड तुर्गीज ऑफ वेस्टर्न सहारा हैव बीन क्लोज कॉन्टेक्ट विद डेजर्ट लाइफ। दे हैव बीन चीफली इन्वॉल्व इन एनिमल रेयरिंग, ट्रेडिंग, फार्मिंग, हंटिंग। इनका जो मेन बिजनेस है रेयरिंग, ट्रेडिंग, फार्मिंग एंड हंटिंग है। दिस ट्रिप मूव इन सर्च ऑफ ओसिस वेयर दे कैन गेट फ्रेश वाटर। ओसिस फॉर द अपॉर्चुनिटी ऑफ फार्मिंग। ओसिस क्या होता है, सच टाइप एक गड्ढा तालाब जैसा बना दिया जाता है जहाँ पे वाटर स्टोर करके रखा जाता है जो कि फार्मिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, वेजिटेशन के लिए काम आता है। द डेजर्ट्स आर वेल इंडोर्ड विथ मिनरल्स विथ लाइक आयरन, ओर, कॉपर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। यहाँ पे आप देखेंगे तो आयरन, ओर, कॉपर, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस भी पाया जाता है। द एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैज़ बीन द मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंशियल ग्रोथ ऑफ डेजर्ट नेशन लाइक सऊदी अरेबिया, कुवैत एंड इराक एंड ईरान। आप जानते हैं कि सऊदी अरेबिया, कुवैत, इराक एंड ईरान में तेल के कुएँ पाए जाते हैं।
इसलिए दिस कंट्रीज आर वेरी रिच कंट्रीज, तेल के कुएं पाए जाते हैं और इनके फाइनेंशियल का मेन सोर्स भी वही है। सो हमने देखा इस चैप्टर में डियर स्टूडेंट कि किस तरह से सारी चीज़ों को बताया गया है, किस तरह से डेजर्ट एरिया में लोग रहते हैं, डेजर्ट एरिया में पाए जाने वाले एनिमल, डेजर्ट एरिया में पाए जाने वाले वेजिटेशंस एंड डेजर्ट एरिया में रेनफॉल की स्केर्सिटी है जिसके वजह से यहाँ पे प्लांटेशन एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल है। जो प्लांटेशन है वो आप देख रहे हैं कि ब्रूसी एंड थ्रोनी है एंड ह्यूमन लाइफ जो है वो एकदम नोमेडिक लाइफ है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लोग आते जाते रहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट की विच ऑफ द फॉलोइंग द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड द सहारा डेजर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग द हॉटेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड द सहारा डेजर्ट्स एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेजर्ट प्लांट बाओबा, द पीपल ऑफ विच द फॉलोइंग ट्रीज लिव इन द डेजर्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका द बेडिनेस फर्स्ट ए वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड डेजर्ट द कोबी डेजर्ट। अब हम देखेंगे कॉलम ए एंड बी में दिस इज द सहारा डेजर्ट नॉर्थ अमेरिका, द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया, द कालाहारी डेजर्ट्स साउथ वेस्टर्न अफ्रीका, द कोबी डेजर्ट्स चाइना, द एटकामा डेजर्ट साउथ अमेरिका। ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हो गए डियर स्टूडेंट्स। नाउ सी दैट कि डेजर्ट एरिया में जो आपने देखे हैं कि एक लिस्ट बनी हुई है आपकी डेजर्ट्स की कि कौन से हॉट डेजर्ट्स हैं और कौन से कोल्ड डेजर्ट्स हैं, तो इसको बहुत ही अच्छे से आप लोग कर लीजिए कि कौन से डेजर्ट किस लोकेशन में हैं और वो कोल्ड हैं या हॉट हैं। ओके, थैंक यू डियर।